बजट कैसे बनाना चाहिए इसके बारे में व्यवस्था कहाँ है, तो वो व्यवस्था आप देखेंगे, वो डायरेक्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर हम जाते हैं और आर्टिकल 38 को अगर पढ़ते हैं तो ये कहता है द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफिशियंटली एज इट मे ए सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म टू ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द नेशनल लाइफ। इसका मतलब जो है कि आपको ऐसी नीति बनानी है, ऐसा बजट प्रेजेंट करना है जिससे इस देश के नागरिकों के साथ न्याय हो, कौन सा आर्थिक न्याय हो। तो आर्थिक न्याय करने के लिए पार्ट टू में उसका 38(2) में क्लॉज टू में लिखा है द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। मतलब आप इस ढंग से बजट बनाइए, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं फॉर ए ईयर, इनफैक्ट दैट इज द राइट टर्म, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इसका सही शब्द है। इसको कलोक्वियली लोग नॉर्मली इसको बजट करके बोलते हैं, लेकिन ये बेसिकली इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो आर्टिकल 266(3) के तहत बनाना पड़ते हैं। उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, कौन से कंपोनेंट होते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, एक तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, दूसरा पब्लिक अकाउंट होता है, और तीसरा कंटिजेंसी। ये तीनों मिला के जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बजट कहते हैं।